क्लियरली इंडस्ट्री का ये मानना कि ये जो फैसला है वो कुछ हद तक नीजक है, पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है, और इसके बाद भी ज़रूरी नहीं है प्रदूषण कम हो जाए, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो डीजल कार्स हैं उनसे बस 2% कॉन्ट्रीब्यूशन प्रदूषण का आता है। हमारे साथ आशु मदान भी हैं और साथ ही सुमित बगाड़िया भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आप दोनों का भी इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आशु, यू हर्ड इट फ्रॉम मारुति सुजुकी, आपका व्यू क्या है इस खबर के बाद, क्या करना चाहिए ऑटो स्टॉक्स पर? देखिए, मेरे जहाँ तक कि ऑटो स्टॉक्स की बात है, ट्रेंड पॉजिटिव है, मुझे मार्केट भी पॉजिटिव लगती है और ये फ्रंटलाइनर इंडेक्स के साथ आउट परफॉर्म करता रहे और करता रहेगा। ऐसे नीजक रिएक्शन से अगर देखिए, डीजल गाड़ी पे इफेक्ट जरूर आएगा, आगे पीछे करके आ रहा है। अगर आप एक कंज्यूमर सेंटीमेंट को देखें तो कहीं ना कहीं जो एक लॉन्ग टर्म विजन से जो एक डीजल गाड़ियों में कहीं ना कहीं वो ड्रॉप जरूर दिखने को आया, अपने आसपास भी देखेंगे काफी फर्क आ रहा है। बट ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क आना चाहिए एज एन ऑटो सेक्टर पे। तो मैं तो ऐसे डिप्स में अगर कोई नीजक रिएक्शन आता है ऐसे न्यूज में तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गो लॉन्ग। सुमित बगाड़िया भी हैं टेक्निकल से बात करने के लिए। सुमित, गुड आफ्टरनून, आप एग्जैक्टली क्लाइंट्स को क्या निफ्टी बैंक पे अप्रोच दे रहे हैं और आज ऑटो स्पेस खासा मोमेंटम में है? आप देखिए, चाहे ऑटो फ्रंटलाइन हो चाहे ऑटो इंडस्ट्री स्पेस हो, अभी इसमें से कुछ पिक किया आपने सुमित? हाय, गुड आफ्टरनून। पहले यस, एब्सोल्युटली बैंक निफ्टी एक ऊपर में थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 19,100-19,200 के आसपास। ये लेवल टूटने के बाद इसमें और तेजी देखने को मिलेगी, नीचे में 18,800 का इसमें एक सपोर्ट है। और जहां तक ऑटो स्टॉक्स का सवाल है, यस एब्सोल्युटली टाटा मोटर्स में हमने आज लॉन्ग रिकमेंडेशन का व्यू दिया हुआ है। 500 के ऊपर ये स्टॉक ने एक मूव दिया हुआ है और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि अगर आज 500 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है टाटा मोटर्स के अंदर तो एक फ्रेश ब्रेकआउट, एक फ्रेश मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर इमीडिएटली 525-530 के लेवल टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एट द सेम टाइम मारुति सुजुकी भी अच्छा लग रहा है, ऊपर में 4700-4800 के टारगेट आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से 4450 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर के अंदर 4450-4700 के इमीडिएटली लेवल्स मारुति के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, चलिए तो ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक बार एक नजर डालते हैं अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स पर। आशु, मैं इन दो स्टॉक्स के लिए इसलिए पूछ रहा हूँ आपको, हालांकि ऑटो स्टॉक्स पर हमारी काफ़ी बात हुई, बट अ क्विक व्यू फ्रॉम यू, बिकॉज देखिए, एक तो टाटा मोटर्स ये कमर्शियल और पैसेंजर दोनों साइड पर अफेक्ट होता है, और दूसरा अब क्योंकि सारे डीजल व्हीकल्स इसमें इंक्लूडेड हैं तो अशोक लेलैंड के लिए हो सकता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इमर्ज हो आगे जाके। इन दोनों पर आपका व्यू क्या है? मीर, आई थिंक थोड़ा सा क्रेडिट जरूर लेना चाहूंगा कि लास्ट वीक हमने टाटा मोटर के 5 से 515 की जब टारगेट की बात की थी तो काफी क्लोज उस टारगेट के आ गए हैं। व्यू टाटा मोटर पे पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही रहेगा और मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगती। मैं तो बोल रहा हूँ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए कि अगर ऐसी किसी न्यूज से इन फ्रंटलाइन ऑटो स्टॉक्स में कुछ करेक्शन आती है तो दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। सो स्टिल होल्डिंग पॉजिटिव व्यू ऑन टाटा मोटर। अशोक लेलैंड के नंबर्स के बाद आई थिंक मुझे पॉजिटिव नहीं दिखता। मे बी ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमने एक बीच में पेयर ट्रेड भी दिया था, टाटा मोटर प्लस एंड अशोक लेलैंड माइनस, या टिस्को प्लस करके भी अशोक लेलैंड माइनस, ऐसे पेयर ट्रेड निकाले थे हमने। तो आई थिंक मुझे लगता है अशोक लेलैंड अभी भी थोड़ा प्रेशर में रहेगा और उसमें मुझे कोई ऐसा बहुत बड़ा एक टर्न अराउंड नहीं दिखता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मुझे लॉन्ग शॉर्ट मिक्स खेलना है ऐसी ट्रेडिंग मार्केट में, सो मैं अशोक लेलैंड को टेम्परेरीली शॉर्ट टर्म के लिए माइनस रखूंगा। जी, चलिए अभी लॉन्ग शॉर्ट की बात कर रहे थे लेकिन वो स्टॉक्स जो पहले शॉर्ट साइड पे खड़े थे, जो बहुत बहुत वीक थे, 52 वीक लो पे थे, लेकिन सडनली आज वो देखिए टॉप गेनर्स हैं, आज वो अपने इस दौर के हाई पर हैं। आइए कुछ ऐसे स्टॉक्स की पेमाइश करते हैं। सुमित मेरे साथ हैं, सुमित बताइए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स। शुक्रिया वीरेंद्र, कुछ शेयर जो कि आज से 4-5 महीने पहले, मात्र 4-5 महीने पहले अपने 52 वीक्स लो को हिट कर रहे थे, सडनली उनमें बाइंग आई, मोमेंटम क्रिएट हुआ और अब नए 52 वीक्स हाई उन्होंने आज ही हिट किया। एक करके शुरुआत करते हैं, एक्जोनोबल, दो वॉल्यूम थोड़ा कम है, पेंट स्पेस की कंपनी है, करीब करीब फरवरी में इसने 52 वीक्स लो हिट किया, वहाँ से शेयर के अंदर एक मूव आया और 1200 रुपये चलता हुआ शेयर 1600-1700 रुपये की रेंज में पहुँच चुका है, 20 रुपये आज भी तेज है, 52 वीक्स हाई हिट किया। फिनलेक्स केबल, दोनों ग्रुप में एक अच्छी बाइंग है, दो फिनलेक्स इंडस्ट्री हाई पे नहीं है लेकिन हाँ, फिनलेक्स केबल ने करीब करीब जनवरी फरवरी में अपना शुरुआती दौर में ही अपना 52 वीक्स लो हिट किया और वहाँ से शेयर चलना शुरू हुआ, चलते चलते 370 रुपये यानी कि अपने नए हाईज के आसपास शेयर कामकाज कर रहा है। गोदरेज इंडस्ट्रीज, इसने शुरुआत में एक अच्छी तेजी दिखाई थी लेकिन हाँ, फरवरी के एंड तक या मार्च के शुरू तक आते
जाते 52 वीक्स लो हिट किया, वहां से एक शार्प रिकवरी आई और शेयर करीब करीब 200 रुपए की रेंज से चलता हुआ 400 से 500 रुपए की रेंज में आ चुका है, एक जोरदार मूव आया है। ग्रासिम इस शेयर ने भी करीब 3300 रुपए के आसपास के लोज दिखाए थे, लेकिन वहां से एक शार्प मूव 4800 रुपए के आसपास शेयर पहुंच चुका है। सेकंड हाफ में ये राधा पिछले एक 15 से 20 दिनों के अंदर ही कुछ बाइंग आई है, नया 52 वीक्स हाई इसने आज भी हिट किया। HDFC बैंक राधा पूरा ग्रुप HDFC लिमिटेड या HDFC बैंक दोनों ही शेयरों को देखिए, वैसे भी इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक है, एक अच्छा मूव इन्होंने दिया है अपने लोअर लेवल से। फरवरी के एंड में इन्होंने अपना 52 वीक्स लो हिट किया था और वहां से चलते हुए शेयर आज 52 वीक्स हाई पे पहुंच चुके हैं, 1232 रुपए के स्तरों पर HDFC बैंक कामकाज कर रहा है। हिंडालको रादर मेटल साइकिल में जैसे ही टर्न अराउंड हुआ और जैसे जैसे नंबर आए, खासतौर से इंटरनेशनली नंबर्स देखने को मिले एल्यूमिनियम स्पेस के, अल्कोआ के नंबर्स, उसके बाद से एक बाइंग पर HDFC बैंक अपने नए 52 वीक्स हाई पे कामकाज कर रहा है। लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग मूव यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। HDFC लिमिटेड ये दूसरा शेयर है जहां पर हमने बातचीत की कि हिंडालको HDFC बैंक के बाद ये एक और शेयर है जहां पर एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। IOC ऑयल मार्केटिंग स्पेस के अंदर जैसे जैसे फंडामेंटल चेंज हुए क्रूड के गिरने के बाद से, वैसे वैसे एक अच्छी बाइंग आती हुई दिखाई पड़ी, जहां इसने अपना 350 रुपए के आसपास का लोअर लेवल हिट किया था 52 वीक्स लो फरवरी के दौरान, अब 500 रुपए की रेंज में शेयर कामकाज कर रहा है 480 के स्तरों पर फिलहाल कामकाज करते हुए। LIC हाउसिंग फाइनेंस नंबर्स भी आए हैं और नंबर्स के बाद से एक मूव लगातार शेयर में देखने को मिला है, कहीं 380 रुपए के आसपास 52 वीक्स लो से फरवरी में हिट किया था, वहां चलता हुआ शेयर आज 530 रुपए के स्तरों पर अपने नए 52 वीक्स हाई पर कामकाज कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का म्यूचुअल फंड कारोबार वैसे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, करीब करीब 260 रुपए के आसपास 52 वीक्स लो था, आज रफली दोगुने के आसपास शेयर कामकाज कर रहा है 407 के स्तरों पर, नया 52 वीक्स हाई इसने हिट किया महज 4 महीने के अंतराल के अंदर, एक मूव शेयर के अंदर आता हुआ दिखाई पड़े, एक अच्छी तेजी आती दिखाई पड़ी। इसके अलावा टाटा मोटर्स ब्रेक्सिट के कंसर्न्स के बीच में शेयर जहां टूटने की बातचीत हुई थी, लेकिन अब इसने जहां पर 270 रुपए का 52 वीक्स हाई, आज 497 500 रुपए के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है, एक अच्छी तेजी यहां पर भी आती दिखाई पड़ी। और इसके अलावा यूनिटेक कहने के लिए छोटा शेयर है, 3 रुपए के आसपास 52 वीक्स लो इसने हिट किया था फरवरी में, आज 8 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है, 52 वीक्स हाई बनाकर शेयर अपने नए 52 रुपए के उच्चतम स्तरों पर रोज बरोज तोड़ते हैं। और आखिरी में वर्धमान टेक्सटाइल 1045 के स्तरों पर शेयर आ चुका है, इसने 52 वीक्स हाई लो हिट किया था 700 रुपए का और महज 4 महीने के अंदर ही नए 52 वीक्स हाई पर कामकाज करते हैं। तो ये वो सभी शेयर हैं जहां पर 4 से 5 महीने के दौरान 52 वीक्स लो से 52 वीक्स हाई तक का सफर तय कर डाला। इनफैक्ट अभी आज जब बात करी रहे थे ना समय, तो हम मेरा नाम यूनिटेक का चार्ट देख रहे थे, 8.40 रुपए का भी है, मेरे 3.90 रुपए का लो। आशु मैं मिहिर को यही दिखा रहा था अभी जब सुमित बात कर रहे थे कि यार 550 का स्टॉक, उसके बाद आज 3.90 रुपए लो लगाने के बाद 840, शायद मैं इसे डेली चार्ट पे देखूँ, आर्ली चार्ट पे देखूँ तो लगेगा बहुत बहुत चल चुका है बॉस। फिर जब मंथली भी देखता हूँ, वीकली भी देखता हूँ, तो लगता है कि दुनिया जहान का प्रॉफिट मेरे लिए खुला हुआ है। लेकिन क्या आप ऐसे अगर यही प्रश्न आपसे आपका कोई क्लाइंट पूछता आशु, तो आप क्या करते हैं? मेरे नॉर्मली आपने जितनी बार भी पूछा होगा मेरे को इन पेनी स्टॉक्स और इनसे कभी भी एज ए डिसिप्लिन में इनमें इन्वेस्ट करने की राय नहीं देता हूं, अनलेस जैसे JP में हुआ या JP में अभी भी लगता है कि जब एक कंपनी की इंटेंट नजर आती है कि टर्न अराउंड होने के चांसेस हैं, टर्न अराउंड नॉट इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वर्किंग लेकिन डेट रिस्ट्रक्चरिंग में अगर कुछ होने के चांसेस हैं जिसकी वजह से कंपनी में सबसे ज्यादा था, तो इन पेनी स्टॉक्स में हम देखते हैं कि मल्टी डिजिट रिटर्न आ सकती है, जो कि एक हमने JP में देखी और एक और भी आ सकती है। तो वेरी रेयरली आई थिंक 10 में से 9 बार तो मेरा आंसर नहीं होता है कि ऐसे स्टॉक्स में करना नहीं चाहिए। यूनिटेक के लिए अभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बिजनेस प्रपोजिशन को देखें तो ग्राउंड रियलिटी में रियल एस्टेट का ऑफटेक नहीं है। कंपनी को दो तरह से इजाफा हो सकता है, किसी भी तरह कंपनी जो प्रॉब्लम होती है, या तो कुछ उसकी एसेट सेल हो जाए जिससे डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो, या उसका जो मेन लाइन ऑफ एक्टिविटी है उसमें इकोनॉमिक अपटेक आए। दोनों चीजें अभी यूनिटेक में मुझे नहीं दिखती, तो इसके चलते आई थिंक इट इज मोर टू डू विद द सेंटीमेंट जो हमने देखा, GMR DLF बहुत सारे स्टॉक नीचे से काफी ऊपर आए, तो उस लाइन ऑफ एक्टिविटी में इसमें एक अपमूव आया। बट बियॉन्ड दिस रियली रियली वेरी करेजियस एंड कैसीनो काइंड ऑफ अ मूव टू एंटर इनटू दिस स्टॉक। दो काउंटर्स और हैं जिस पर आप नजर रख सकते हैं आज, इनफैक्ट अभी जो 52 वीक हाई पे इस समय जो काउंटर्स हैं उनको देख लेते हैं। एक तो लक्ष्मी विलास बैंक है, ये करीब 5.5% ऊपर है। बजाज ऑटो है जो कि 2.5% ऊपर है। क्वेस्ट कॉर्प हाल ही की लिस्टिंग, इसने आज एक नया हाई बनाया है। वर्धमान टेक्सटाइल्स अभी भी बात की थी सुमित ने, ये भी आज अच्छी मजबूती के साथ। और एक है हीरो मोटर कॉर्प, यहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिला है। एंड ऑब्वियसली हिंडालको, ये लगातार पिछले 4-5 दिन से इस सूची में, ये भी 52 वीक हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है। ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं आज। अनुज वैसे भी हमने जो ऑटो एंसिलरी स्पेस है ना उसमें इंटरेस्टिंग मूव देखा है सुबह से।
आपने कुछ ऐड किया क्या यहाँ पर? देखिए ऑटो इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं से ऑटो से रिलेटेड मूव दिखता है, पूरे ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, तो वही कहीं पर आके इस ऑटो इंडस्ट्री सेक्टर में भी दिखाने को दिख रही है। इनफैक्ट अगर मैं बात करना चाहूँ तो गैब्रियल के अंदर मुझे एक ऐसा मूव लगता है कि आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तकरीबन 103-104 की रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, जो उसके 50 ऑल टाइम हाइज भी हैं। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है मंथली चार्ट पर कि जब भी 105 के ऊपर के ब्रेकआउट मिलेंगे तो मेरे ख्याल से उसके अंदर एक काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के नजरिए से वो एक मेरी सलाह रहेगी लेने के लिए निवेशकों को।